नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के बारे में। जैसा आपको पता है, एसएसएससी के जो पेपर हैं वो चल रहे हैं। तो 17 नवंबर की जो फर्स्ट है वो उनका पेपर हो चुका है। तो उनकी हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएंगे पूरे पेपर की। तो इसमें सारा पेपर आपको मिलेगा, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ फाइल को उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो उसका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो हरियाणा में निकली हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया, आप उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उससे फ़ायदा ये होगा, कई बार वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता है तो यूट्यूब क्या है, नोटिफिकेशन कई बार नहीं भेजा तो वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी कोई भी अपडेट। तो जिस वजह से अगर आप उसको लिंक से आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो हम वहाँ वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप तक सारे अपडेट पहुँच जाएंगे। वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप उनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम भी आपके वहाँ डाउट क्लियर करें, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको पीडीएफ फाइल किस टाइप में मिलेगी और आपको कैसे चेक करना है। तो अभी चलते हैं सीधे पीडीएफ फाइल पर, जो आपका आज का पेपर था 17 नवंबर फर्स्ट एसएससी ग्रुप डी का, उस पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस टाइप के आपके पास दो फाइल खुलेंगी। तो आपको ये वाली जो सब जो लंबी वाली फाइल है इसको खोलना है। तो इसको आप जैसे जूम करेंगे, शुरू में आपको ये लगेगा, लेकिन जूम करने के बाद ये फाइल आपको क्लियर दिखेगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, शब्द मिसोफाइट से निहित है। क्या बताया गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया। तो ये दिए गए ऑप्शन, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया, किसने सुनाया था, तो संजय ने सुनाया था। ये चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप जूम करेंगे फाइल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये दो फाइल होंगी, तो आप इसको जूम करने के बाद थोड़ी देर वेट करें तो आपको सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे इसमें कितने प्रश्न हैं टोटल, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसे जैसे लेकर आते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। देखिए, सूर्य देव को समर्पित झील है, तो ये झील आपको बताने, तो इस हिसाब से आपको 60% मिलेंगे। तो आप करना क्या है, ये आपको फाइल पहले जूम करनी, उसके बाद थोड़ी देर रोकनी, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। दूसरी फाइल में आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए, दूसरी फाइल में आपके ये 3 पेज जुड़े हुए हैं, इसमें जो बाकी क्वेश्चन वो दिए गए हैं, 61 से यहाँ पे दिए गए हैं। ओमेगा 3 वसा अमल खालिस्तान में उपस्थित होता, तो यह सारी चीज़ें, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, आप जैसे ग्रुप में जुड़ेंगे तो मैं ये जो फाइल हैं क्लियर फोटो निकाल कर इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में डाल दूँगा। अगर आप उस ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको पीडीएफ फाइल देखने की भी जरूरत नहीं, आपको वहाँ सारे फोटोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताना था, और इसकी आंसर की अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इवनिंग तक प्रोवाइड करा दूँगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका सेम रहा है, जो पहली परीक्षा हुई थी 10-11 तारीख को, तो परीक्षा का पैटर्न सेम रहा है। और उसके बाद जो है, जो पेपर था वो पहले से आपका हार्ड रहा, जो 10-11 को है उनसे पेपर थोड़ा हार्ड था, लेकिन जो है पैटर्न जो है वो सेम रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्योंकि आपको अगली शिफ्ट में पेपर देना, तो भी शायद पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं सारे लेटेस्ट अपडेट, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें।